कि ये गवर्नमेंट को मेरा लेट टुमी गांका का मिस्टीरियस डेथ के बारे में कि बहुत महीना भर से हम इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो गवर्नमेंट को और स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने इतना मौका दिया कि एक महीने के अंदर में वो एक्चुअली हमको मांगा था 7 डेज का, लेकिन 14 डेज वो एक्स्ट्रा ले लिया। फिर भी आज तक भी टुमी गांका का बारे में हमें कोई अपडेट कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है, जिसके लिए गालो समुदाय बहुत दुख है, बहुत परेशान है, क्योंकि एक सर्विंग ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को उसका मिस्टीरियस उसका डेथ हालत में देख के गालो कम्युनिटी का क्या फीलिंग होगा आप लोग समझ सकता है। तो इसलिए हम लोग ने आज प्रेस क्लब में आया और गवर्नमेंट को 7 डेज का अल्टीमेटम दिया कि 7 डेज में इसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग्स को ब्लैक एंड वाइट करे, पब्लिक डोमेन में लाए, और पुलिस स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट जो इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्हें इसका फ्रेस के थ्रो या इन पेपर गवर्नमेंट को इसका सबमिट करे, ताकि हम वहाँ से उसकी जितनी एनेक्स जितने पॉइंट्स है उसको कलेक्ट करके अपने तरफ से जितने हम एविडेंसेस या बहुत सारा ग्रे एरिया को जिसको मैंने टच किया है मेरे कम्युनिटी का, मेरे अपने लोकल कमेटी, तो हम उसको मैच करना चाहता है। तो इसलिए हमको जितनी जल्द हो सके अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट उसके इन्वेस्टिगेशन इसका रिपोर्ट को दे देना है, और ये हमने 7 डेज का अल्टीमेटम दिया, तो 7 डेज पे अगर वो नहीं करता है तो हम इसको 7 डेज का बाद फिर इसको डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेगा। तो आपका 7 डेज का अल्टीमेटम में जो 3 पॉइंट्स आप जिक्र कर रहे थे, हाँ वो 13th of March को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हेड को चीफ मिनिस्टर को अंडर द सुपरविजन ऑफ GWS KKWS ने एक इसका लेटर दिया, एक मेमोरेंडम दिया जिसमें 3 पॉइंट है, तो शॉर्ट में बता दूँ तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 में था कि 302 केस इसको जो केस को ये कि इसका रजिस्टर किया है उसके तहत बोमसी कुरोंग को इमीडिएटली अरेस्ट करना है, 1, 2 और उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना है ड्यूटी, उसको सस्पेंड भी नहीं हुआ, और 3 इसमें जो फैमिली कंपनसेशन बनता है विक्टिम फैमिली को इमीडिएटली इसको एडिक्वेटली इसको कंपनसेट करना है। तो फिर इसके बाद KKWS का टीम अलॉन्ग विद द फैमिली मेम्बर दे वेंट टू दे हैव बीन इसका डेलीगेटेड टू होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर का वहाँ जाके भामन फेलिक्स जी से जब उन लोगों ने बात किया, डेलीगेशन जब उसको बात किया तो फेलिक्स सर हैव ग्रांटेड कि इसको ड्यू कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर इसको एक हफ्ते के अंदर में काम को इसका पेशिफाई कर देगा, बट इन 2 वीक्स होने को है, 2 वीक्स पार हो गया, फिर भी आज तक गवर्नमेंट का साइड से कोई हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड या नेगेटिव रिस्पॉन्ड इसका नहीं मिल रहा है। जो पॉजिटिव इसका नहीं मिल रहा है तो वी एक्सपेक्ट कि दिस इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्ड, तो इसलिए आज हम लोग GWS कंग्लोमरेशन ऑफ ऑल द इसका प्रॉन्टेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी GPF GSU GYO तो हम लोग सब कल मीटिंग बैठा, तो बैठ के हम लोग का कंक्लूजन ये है कि 1 वीक का अल्टीमेटम देगा, अगर 1 वीक में कुछ नहीं होता है तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लॉन्च करेगा। तो 1 वीक का अल्टीमेटम आज से शुरू होता है, आज से शुरू होता है। सर आप लोग लास्ट टाइम जब APPSC ऑफिस के बाहर में जब गैदरिंग हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि आप लोग अपडेट देगा 1 वीक के बाद इन्वेस्टिगेशन का, तो आप लोग जो दो एक्यूज है वो लोग का गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट मिला है उसमें क्या वो लोग का ऊपर कुछ प्रूफ मिला है क्या? फैक्ट जो फाइंडिंग्स कर रहा है वो पुलिस कर रहा है, तो हम लोग का वही बोलना है कि हम लोग जो जो डिमांड कर रहा था जो उसको 302 में इसको रजिस्टर करना है और उस बेसिस में इसको वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले तो लोग बोला कि 48 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 72 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1 वीक का टाइम दीजिए हम दे दिया, फिर 2 हफ्ता का टाइम मांगा हम दे दिया है ना, और ये अभी लगभग 1 मिनट होने को है पुलिस को, और हम लोग पुलिस हमको ये भी नहीं बोल सकता कि उन लोग को हम लोग ने इसका समय नहीं दिया, एम्पल टाइम दिया, क्योंकि गालो वेलफेयर सोसाइटी गालो कम्युनिटी एक इसका लैंडेड इसका सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो हम ये अनरूली एंड अनपार्लियामेंट्री और अन इसका डेमोक्रेटिक कोई भी जो एथिक्स जो डेमोक्रेसी से बाहर है वो करने का दिल नहीं था, इसलिए हम लोग 1 मिनट कम से कम इंतज़ार किया, लेकिन ये 1 वीक का बाद शायद गवर्नमेंट अगर हमको अच्छा रिप्लाई नहीं देता या मेरे डिमांड को कंप्लाई नहीं करता है
देन वी विल मूव आवर ऑन एक्शन। सर लास्ट टाइम के प्रेस ब्रीफिंग में सर ये पोस्टमार्टम के ऊपर भी नाराजगी जताया था, तो अभी आप लोग पोस्टमार्टम को लेकर अभी क्या कहना चाहते हैं? पोस्टमार्टम को वो जस्ट अनऑफिशियल था, अनऑफिशियल था, इसलिए गालो वेलफेयर सोसाइटी इसको ब्रीफिंग नहीं किया। तो इसको जो फैमिली मेम्बर को जो जो SP साहब ने बताया, तो उस हिसाब से फैमिली मेम्बर ने बोला कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो उसको फिर हम लोग ने फिर GWS ने फिर एनालाइज किया और देखा कि ये अभी इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट, अनलेस एंड अदरवाइज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड ऑल द इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑन द पब्लिक डोमेन सो दैट वी कैन आइदर टू एक्सेप्ट और टू चैलेंज। 7 days का बाद आप लोग जो क्या क्या करना चाहेंगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट या अगर गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल नहीं होता है? गवर्नमेंट का तरफ से फुलफिल नहीं होता तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा, और डेमोक्रेटिक मूवमेंट किस फॉर्म में होगा दैट इज सब्जेक्टेड टू अगेन दैट विल बी सब्जेक्टेड टू टेल यू आफ्टर 7 days।